10 दिन हो गए क्लिनिक की ओपनिंग करी, लेकिन काम अब तक समड़े नहीं रहा, इतने काम पेंडिंग पड़े हैं। आज तो कोशिश ही करी सुखविंदर भैया थी बुला के कि सारा काम हो जाए। सुबह कमर कस ली थी हमने क्योंकि करवा चौथ तक बहुत गणे बिजी। हाँ मोई दूध ले आया, साथ में सब्जी ले आया, फिर नहा धो के रेडी हो गए। एक रील बनानी थी मैंने, उस खातर मैंने चूड़ी चाड़ी पहरी बिंदी बिंदी लगाई, पूरी तैयार हुई हूं। तो नए खिलाड़ी भी मैदान में आ रहे हैं। पूनम दीदी के साथ यह रील बनानी थी, हम दोनों ने पहरे अपने नए सूट रंग बिरंगे और उसके बाद गढ़ दिया कसूती। करवा चौथ पर यह रील बनाई गणी एंडी बनी, तब ना आखिरी में ब्लॉग में दिखा भी दूंगी। मन ने थोड़ा जल्दी जाना था क्लिनिक पे, पेशेंट बाट देखे थे, लेकिन रील के चक्कर में कसुत्ती वार बनी। आज तो भी अपने जूते फंसाए और पुच्ची आज हमने घर ने छोड़ दिया। मखा तू रेस्ट कर, नीचे दीदी थी बोल दिया कि दीदी दिन में पुच्ची ने ले आई हो आप नीचे। और फिर पहुंच गए हम क्लिनिक पे, जान दी अपने पेशेंट देखे, फिर लेजर की अपॉइंटमेंट थी कई सारी। फिलहाल करवा चौथ पे काफी सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं फेशियल पे, अगर आप कराओगे एक जने का तो एक जने का आप फ्री देने लाग रहे। मैंने कुछ ट्रीटमेंट निपटाए थे, इतनी देर में बाबा आ जाए और आम दे या फिजियोगन उठा ले या फिजियोगन, हमारे क्लिनिक में सबकी फेवरेट है। थोड़ी देर बाद आवे पूनम दीदी और साथ में थी उनकी सिस्टर जिनने अपना कुछ ट्रीटमेंट करवाना था। मैंने पूनम दीदी के हाथों पे एक सॉल्यूशन लगाया, मखा दीदी देखो आपने जादू दिखाऊंगी, हाथ जमा काचे लिगड़ा। पूनम दीदी के साथ थोड़ी देर बैठी और फिर कुरुक्षेत्र से पेशेंट आ रहे थे और ये अपने प्यारे फॉलोअर भी थे, इनके साथ बातचीत करी, फोटो फाटो खिंचाई और फिर अपने कार्बन फेशियल की जो अपॉइंटमेंट थी वह लेनी शुरू करी। कार्बन फेशियल या हॉलीवुड फेशियल के बहुत अच्छे रिजल्ट है, अगर आपने इंस्टेंट ग्लो चाहिए, स्किन पे डलनेस आ रही है, कोई भी ग्लो नहीं बचा, तो टाइम हो लिया था लगभग 3:30 बजे का। ई फुर्सत लागी है रोटी खाने की, मन्ने और मोहित ने अपना भोजन कराया जो हम बांध की लेके जा रहे थे, 5 मिनट में रोटी खा ली। आज इतनी जल्दी तो मैंने पहली बार खाई है क्योंकि कोलेजन इंडक्शन थेरेपी वाले जो पेशेंट थे वे बाट देखने लाग रहे थे। बहुत सारे कमेंट आए हैं, आके भी पूछे कि ये छाइया का परमानेंट इलाज है कि, तो भाई छाइया का परमानेंट इलाज है आपका खाना पीना और साथ में ट्रीटमेंट, अकेले ट्रीटमेंट कोई छाई ठीक नहीं हो सकती। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो सिर्फ दवाई ठीक कर सका, आपका लाइफस्टाइल आपका खाना पीना हर चीज इसमें मैटर करे है। मोहित और राहुल आज सवेरे के जा रहे हैं मार्केट में शॉपिंग करने, ईसा के खरीद के लाऊंगे। आए तो या टोकरी लेके आए, बोले देख या कॉर्नर में लगान खातर एक नंबर की है, इसकी शेप भी जमा कॉर्नर स्टैंड की डाल है। और इसके साथ साथ लेके आए हैं ये डिस्पोजेबल शीट्स जो आप इन बेड पे बिछाया करा, जो भी ट्रीटमेंट करा उसके बाद ये चेंज करनी पड़े हैं। राहुल ने भी मार्केट में थोड़ा सा काम था, अपना कुर्ता ड्राई क्लीन खातर दे रखा था। मोहित मेरे तीन बोला देख मैं शॉपिंग करके लाया, मन ने यो कुर्ते की शक्ल देख दी बता दी, मां मोहित ये कुर्ता तेरा तो है कोनी और राहुल का पाओगा पक्का। बाकी कलर तो मोहित पे यो भी जचा था, मैं कहूं थी करवा चौथ खातर एक ऐसा ऐसा कुर्ता ले ले चिकनकारी में, बोला मैं कौन पहरू, मन ना आवे शर्म ये कुर्ते पहन। मशीन का एड था ही खड़ा था, राहुल बोला ये किस काम का है, मोहित ने यो बना दिया पागल, बोला यो लेंस है देख ले हाथ दिखेगा इसमें बड़ा जूम हो की। हमने अपना सारा सामान जो स्किन वाला था स्टोकरी में जचाया और इतनी देर में सुखविंदर भैया आ जाए, मखा भैया आपकी तो कसुत्ती है बाट थी, बोला जी वो शीशा ठा के लाना उड़त है। संदीप और गए उड़ा शीशा ठाण और जानदी फोड़ दिया इनने, बड़ा शीशा था जो नीचे अपने स्किन वाले कैबिन में लगा रखा था, ये ऊपर लाने लगे तो ऊपर पैड़िया में भिड़ गया, 2 टुकड़े हो गए इसके। चलो मखाई तो यो के काम का बचा है, एक नुकसान तो करना ही करना होगा शिफ्टिंग में कोई ना कोई। आज सुखविंदर भैया लाग रहे हैं यो गेट उतारने, इसके शीशे तो पहले ही उतार दिए थे, सिर्फ यो एल्यूमिनियम वाला फ्रेम बच रहा था, तो पड़ोसियां कहते लाइट लेनी पड़ी क्योंकि आड़ा लाइट का कनेक्शन मेरा ने था या नहीं। गेट खोल दिया और बाकी जो सामान बच रहा था वो भी सारा पैक कर दिया आड़ा तई। नए क्लिनिक में आके सोफिया के नट से बेड़ने थे वह करे सुखविंदर भैया ने, पहले मंगवा दी थी इन खातर चाह, क्योंकि चाह बिना कोई काम पूरा नहीं होता, वैसे इस चाह तो बेकार चीज कोई नहीं धरती पे, तो अवॉइड करया करो। हमने तो सुखविंदर भैया थी कही मखा भैया ये मेरी सीनरी सानरी लगा दो आड़े, बोला जी कल लगा दूंगा, मखा ना कल कल कर दिया अपने 10 दिन तो काट दिए, मखा न्यू करो जो गणे जरूरी जरूरी है वह लगा जाओ, क्यों इन इधर उधर कर दिया, एक आधी चीज टूट जाएगी इनमें तो। एक तो यह घड़ी लगवानी थी फ्रंट रिसेप्शन एरिया था उस पे, इसकी परफेक्ट जगह बनन लाग रही थी, और साथ में एक मेरी नेम प्लेट है या लगवानी है मैंने मेरे कैबिन का आगे, या नेम प्लेट हमने एक दो जगह और एडजस्ट करने की कोशिश करी लेकिन हो नहीं पाई, इसलिए मेरे कैबिन का गेट का जमा ऊपर लगवा दी। सारा काम निपटाया, इतना टाइम हो लिया था 7:30 बजे का, अब तो दिन जल्दी छिपन लग गया। आनंद और आए बोले आज तो तुमने कमाल कर दिया, अब तक क्लिनिक पे हो, मखा काम करावा थे ठाली थोड़ी बैठे हैं, अपनी बाजार से शॉपिंग करके ले आए थे सब्जियां की क्योंकि हमारा बाबा मोस्टली सब्जियां खाया करे। लगभग 7:45 बजे फ्री हुए और पहुंच गए घर ने, जाके देखा तो पूनम दीदी ने कसूती खुशबू उठा रखी थी, मां के बनाओ, बोली मैंने छोटले मोहिती पार्टी देनी है, उसने बबीता का पैर ठीक कर दिया। ये सूखी सब्जी बनाने लग रहे हैं मिक्स वेज और साथ में इनने बना दी खीर और गल्ले आलू की चटनी। आलू की चटनी किस किस की फेवरेट है कमेंट करके जल्दी से बता दो। सबसे पहले आलू उबाल लिए थे इनने, उसके बाद लहसुन और हरी मिर्च गेर की कुंडी में उनका रगड़ा लगा दिया, ऊपर से जो उबले हुए आलू थे वो गेर दिए सारे का, फिर जी मिला दिया, ऊपर से गिरा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची। चटनी तो कोई भी हो सब्जी तो घनी स्वाद लगा है, चटनी गल्ले रोज रोटी खाई जा सके लेकिन रोज एक सब्जी नहीं खाई जा सकती। आलू नमक मिर्च का जमा जी
पिघल गया तो ऊपर तक गेरी गई, इसमें थोड़ी सी दही आलू की चटनी बनी, इतने दूसरी साइड जो गैस पर खीर दर रखी थी वह भी बनकी तैयार हो गई थी, और हमारा छोटला मोहित भी आ लिया था, मैंने उसका फोन कर रखा था पहले। दीदी ने थाली कर दी थी तैयार जिसमें थी चटनी सब्जी खीर और रोटी, मैं लेके चली गई ऊपर, छोटला मोहित तो जमा मुंह पाड़ी बाट देखा था, बोला पार्टी की बाट कौन नहीं देखा कर। दोनों मोहित ने बिल बैठ के करे अपना डिनर, और सब्जी वास्तव में घनी स्वाद बन रही थी। दोनों ने अपना भोजन निपटाया था, नीचे हमारी बैल बाजी, बाहर जाके देखा तो छोटे छोटे बच्चे आ रहे थे, और इन बालका ने नीचे तो रुका मारा भैया हम आपके सब्सक्राइबर हैं, नीचे जाके देखा तो भाई इसमें नूर था, शौर्य था और दो बालक और थे, ये पहले मोहित के पास ट्यूशन भी पढ़ाया करते, स्पेशली पुची ने भी मिलन आए थे, पुची गोला कई देर खेले, और भाई फिर आ गया राहुल, बोला मम्मी जी ने आपके लिए मिठाई भेजी है, मैंने तो जल्दी से डिब्बा खोलिया, जिस तरह डिब्बा खुलिया इसमें तो लिकड़ी दूध की और रायते की छोटी छोटी बोतल, और हम निरे हंसे, मखा आंटी न्यू कौन सरप्राइज दिया करे। इतनी देर मंटी का फोन आ जाए, बोली बेटा एक बोतल में मीठा दूध है, मैंने तारा खातर दर रखा था, तम आए नहीं तो उड़े भिजवा दिया। सही में भाई आंटी के मन में इतना प्यार है ना, मैं बता आए बेबे बहुत वार करके आई, कोई की बात देखूं तेरी, शॉपिंग करके आई थे आज तो बाजार में जमी भीड़ लग रही, मैं तो जमा नहीं करती इस बार करवा चौथ, लठ बाज रहे हैं हमारे, मनावा नहीं ना तड़के उठ दिए रोटी खाऊंगी। ए बब्बो छोड़ी लड़ाई है, देख मेरी चोटी लहंगा सिलना दे रखे, कल ना आ जाएगा, अरे देख मैं यह चोटी लाऊंगी फिर। तेरा तो लहंगा भी सिम गया, मैं तो एक सूट सिमना दे के आई थी, आज थी कौन सी, मैं बेरानी करवा चौथ पे भी पुराना है पैरूंगी के, टेलरा के भी जमा भाव बढ़ रहे हैं। दमड़ी देगा तो राजी नहीं, 100 रुपया में सूट सिमान की सोचा, सस्ते टेलर तो यूं ही करेंगे। के क्या है? कुछ नहीं बब्बो, करवा चौथ की बढ़िया तैयारी कर ले, इसका सारी गली माँ पे नहीं दिखना है। सही कह है, मास्टरनी फैल करनी है, पाछली वो गणी माची फिर थी, मेहंदी आले पे पूछ का आई बब्बो, 1500 रुपये मांगे। हाँ 1500 तो टोटल रुपये भी कौन दिए करवा चौथ की शॉपिंग के इस आदमी ने। ए तू मेहंदी की टेंशन न लेवा, वकील की छोरी पलवाएंगे, 100 रुपये दे देंगे, पिछली बार तो मेरा गैस बन गई खाली पेट, जमा गैर हो भी सिर दुखन लग गया, सुए लगवा का पेंडा छुटिया। सही है, मैं तो खा लिया हूँ थोड़ा थोड़ा पहले ही है। ए बब्बो सरगी में सबेरी सबेरी चूरमा नहीं खाया जाता, कोई ना किलो किलो पेड़े खा लेंगे, चाह कर ले, तो दिवाली की सफाई भी करनी करवा पाछा, और यो भी रस आए है, पहले तो इस मुंह ने चमकवाओ फिर रेत चढ़ाओ। ए छोड़ सारी बातें, मेकअप कित करावा? ए मेकअप की कौन जरूरत पड़ती, सोनिया डॉक्टर के पास मैं लेकर चलूंगी, आई ड्रा फेसियल करवाया कहेंगे दोनों जनी। तो जी किसी लगी रील कमेंट में जरूर बताइए, और इसे के साथ खत्म करा व्लॉग ने, शेयर जरूर करियो, बढ़िया लग गया हो तो।